हेलो एंड वेलकम टू कोडिंग स्टैक। मेरा नाम है यश और आज हम लोग सीखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स है क्या। तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइप के, ठीक है। तो हमने ये जो पहला वाला है इक्वल्स टू, ये हमने पहले देख रखा है, हम बहुत बार ही कर रहे हैं a = int a = 5। तो ये हुआ आपका बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर कि हमने 5 को a में असाइन किया, उसके लिए इक्वल टू ऑपरेटर का काम लिया था। तो ये वो वाला, तो इस तरीके से ये होता है। अब बात करते हैं बाकी के बारे में। बाकी होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपका, ठीक है। जैसे अगर आप करो a प्लस इक्वल टू 4 कर लो, ठीक है। उसके बाद आप a को प्रिंट कर लो, मेरे हिसाब से इसका आंसर आएगा आपका 9। अब क्यों आएगा वो देख लेते हैं पहले, और आउटपुट निकालने से पहले आप कर रहे हो a + = 5, यानी a = 4 है ना, तो a = a + 4, ये आपका शॉर्ट फॉर्म लिखने का ये है। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 9 की ओर आपको समझ में आ रहा है, तो अब इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। इधर 9 आ गया। सिमिलरली अगर आप इसमें करो a - = 4, तो ये हो जाएगा आपका a = a - 4, तो इधर आपका आउटपुट आना चाहिए 1, तो इधर आपका आउटपुट 1 आ गया। सिमिलरली अगर आप इसको a = 4 करो तो a = a * 4 हो जाएगा, आपका आउटपुट 20 आ गया। आप a = 4 करो तो ये हो जाएगा आपका a/4, तो 1 आ गया आपका। क्यों आया 1? तो भाई हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन में जब डिवीजन वाला देखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि 6/5 1 की ओर है, तो वो आप उस हिसाब से देख लेना। एंड a mod = 4 करोगे तो हो जाएगा a = a mod 4, तो इसमें भी आपका आंसर 1 आएगा क्योंकि रिमाइंडर आपका 1 बच रहा है। तो भाई अब हमने कर तो लिया, अब इसका यूज़ किया है। तो भाई इसका यूज़ ये है कि आप इतना कोड लिखोगे उससे बढ़िया आप सिंपली ये लिख लो। इसका सिंपली लॉजिक बस यही है, मेहनत क्यों कर रहे हो ज़्यादा, जब शॉर्ट फॉर्म दे रखा तो उसको यूज़ करूँ ना, शॉर्टकट है। तो आज के लिए बस इतना ही, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में इतना ही था। अब अगली वीडियो में हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।